विश्व पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम हुआ संपन्न। कृषि विज्ञान केंद्र में हुआ कार्यक्रम, शामिल हुए किसान। कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस अवसर पर सरकंडा स्थित ठाकुर छेदीलाल बैरिस्टर कृषि महाविद्यालय की अधिष्ठाता डॉक्टर एस के तिवारी के मार्गदर्शन में पर्यावरण के लिए जीवन शैली के अंतर्गत कृषकों के हेतु जागरवाना कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें जिले के 75 कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर शिल्पा कौशिक ने पर्यावरण को बचाने के लिए अनिवार्य 10 बिंदुओं की चर्चा की, जिसमें भूजल संरक्षण, प्लास्टिक एक धरती, बिजली बचत जैसे पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष धीरेन्द्र दुबे ने अपनी अभिव्यक्ति में बताया कि पर्यावरण शब्द परिवा आवरण से बना हुआ है, जिसमें हमारा कार्य प्रवृत्ति के आवरण की रक्षा करना है। उन्होंने कृषकों को आह्वान करते हुए कहा कि हम कृषक अपने सार्थक प्रयास से प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं। अधिष्ठाता डॉक्टर आर के एस तिवारी ने कृषकों को हरी खाद का उपयोग, मेड़ों पर वृक्षारोपण और पलारी जलाने से रोकने जैसे विषयों पर कृषकों को जानकारी प्रदान करी। डॉक्टर निवेदिता पाठक ने अपने उद्बोधन में पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 2030 की थीम करने हेतु रूपकों को पर्यावरण की रक्षा के विषय में बताया। इसके साथ कृषकों को उनके उपस्थित के लिए तथा मीडिया लोगों के साथ केंद्र के वैज्ञानिकों को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर शिल्पा कौशिक, डॉक्टर दुष्यंत कौशिक, जयंत साहू, पंकज मिंज व डॉक्टर निवेदिता पाठक का महत्वपूर्ण योगदान रहा। किस तरीके से जागरूक किया गया? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र में आज बहुत सारे किसानों की उपस्थिति में पर्यावरण के विषय को लेकर के चर्चा किया गया, जिसमें जिस तरीके से आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजिंग की बातें जो है गंभीर रूप से देखने को मिल रही है, जिसमें जल, जंगल और जमीन तीनों प्रभावित हो रहे हैं और इन सब चीज़ों का दुष्प्रभाव हमारे मानवीय जीवन पर बहुत ही ज़्यादा पड़ते जा रहा है और आने वाले समय पर हम अपने जो पीढ़ी है उसको क्या दे करके जाएं और किस तरीके से भविष्य में हमको और जो है पर्यावरण के प्रति गंभीरता के साथ संतुलित बनाने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, इन सब विषयों को लेकर के आज चर्चा किया गया, जिसमें जागरूकता का कार्यक्रम आवश्यक है और जब तक सामूहिक प्रयास के साथ पर्यावरण के दिशा में काम ना किया जाए तो पर्यावरण जो है संरक्षित और सुरक्षित कैसे हो सकता है, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की गई है। ठीक, बताएंगे पर्यावरण के दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से चलाए जा रहे थे और आज इस कड़ी में आज 5 तारीख को, चूंकि आज पर्यावरण दिवस भी है, तो आज हमने जो हमारे कृषक मित्र हैं उनको सबको बुला के और एक हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है कि आगे आने वाले समय में हम पर्यावरण की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करना है। जैसे हमने किसानों के साथ चर्चा की कि हम मेड़ों पर पेड़ों को लगाना शुरू करें, वो जो पेड़ हैं वो न केवल हमें आमदनी देंगे बल्कि हमारी पर्यावरण की रक्षा करेंगे। यूरिया का इस्तेमाल, नाइट्रोजन का इस्तेमाल कम करके हम हरी खाद का इस्तेमाल करें, जैविक खाद का इस्तेमाल करें, इसके बारे में हमने बात की। ये बात की हमने कि धान के खेतों में हम कम पानी का यूज़ करके और अधिक उत्पादन लें, पानी खेतों में जो हम भर के रखते हैं उससे भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है क्योंकि उसमें बिजली का जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे करीब 8-10 बिंदु हैं जिनको लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक परिचर्चा करी है किसानों के साथ और एक संकल्प लिया है कि आगे आने वाले इस एक साल में हम किसानों के साथ मिलकर इस दिशा में एक अच्छा प्रयास करेंगे। अपने यहाँ से जो फलदार वृक्ष हैं, जो औषधि वाले पेड़ हैं, जो वन वाले जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उन सबको देने का प्लान है किसान भाइयों को जो अपने अपने खेतों में लगाएंगे। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर आर के एस तिवारी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र बिलासपुर, वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र का भी प्रभार देख रहा हूँ।